स्वागत है BHDLA 138 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पत्र एक साहित्य विद्या को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे सीधे सीधे प्रश्न बनकर आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस पे अपनी समझ बनाएं ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के इस टॉपिक में, जिसमें हम जानेंगे पत्र विद्या एक साहित्यिक विद्या है कैसे। जब हम पत्र विद्या की बात करते हैं तो पत्र गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है। इसमें दो अलग अलग जगह पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लिखित भाषा के माध्यम से बातचीत कर पाते हैं। दो व्यक्तियों के संप्रेषण में वाचिक भाषा का प्रयोग होता है, जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसका प्रयोग होता है। यह जो बोलचाल की भाषा है जब लिखित रूप में आ जाए तो पत्र इसका सबसे सामर्थ्य वाहक या सबसे अच्छा उदाहरण हम पत्र को कह सकते हैं। वहीं हम देखें तो पत्र को हम निम्नलिखित रूप में भी देख सकते हैं, जैसे एक लेखक होता है और उसमें एक पाठक होता है। पत्र कोई तो लिखेगा और कोई तो पढ़ेगा, इसलिए एक लेखक होता है और दूसरा पढ़ने वाला पाठक होता है। पाठक लेखक और लेखक पाठक बन जाता है, अर्थात इसमें तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। इस माध्यम से देखें तो दो व्यक्ति एक भाषा के जानकार होने चाहिए और दोनों उस भाषा का ज्ञान रखे हुए हों, उस भाषा का ज्ञान उन्हें हो, वे साक्षर हो, पढ़े लिखे हों। अर्थात पत्र पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच ही बातचीत का माध्यम बन सकता है। तो पत्र की ये खासियत है। साथ ही इनके बारे में और जानें कि पत्र और हम कैसे और बेहतर ढंग से जान सकते हैं, तो आइए इस पे आगे बढ़ते हैं। पत्र के अंदर जो है कल्पना का सहारा लेकर कोई बातें नहीं लिखी जाती, इसमें वास्तविक घटना अनुभव का वर्णन किया जाता है। जब भी कोई किसी को पत्र लिखता है तो वास्तविक बातें होती हैं, जो घटना वास्तव में घटी रहती है उसके ऊपर जो उसका अनुभव है वह वही चीज़ पत्र के अंदर लिखता है, कोई काल्पनिक बातें नहीं लिखता। पत्र किसी काल्पनिक तथा अमूर्त व्यक्ति को संबोधित नहीं होता, वरन वास्तविक व्यक्ति को संबोधित। अब जब भी किसी को पत्र लिखते हैं तो किसी जानने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसे ही पत्र लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी भी अनजान या ऐसे लिख दिए जो व्यक्ति है ही नहीं उसको पत्र लिख दिए, ऐसा तो नहीं होता। तो पत्र उसी को लिखा जाता है जिसको हम जानते हैं, जो व्यक्ति मौजूद है, वास्तविक व्यक्ति है, जिसकी पहचान है। पत्र पाने वाला जब पत्र का जवाब देता है तो वह लेखक बन जाता है और पढ़ने वाला पाठक। वहीं हम देखें तो पत्र दो साक्षर व्यक्तियों का लिखित संवाद है। पत्र को हम कह सकते हैं कि ये साक्षर व्यक्तियों का लिखित संवाद है। संवाद में दोनों व्यक्ति एक दूसरे को अपनी भावनाओं को बताते हैं। इसको हम देखें तो मोटे तौर पे हम तीन तरह से बांट सकते हैं, एक तथ्यों का संप्रेषण, दूसरा तथ्यों पर व्यक्त की जा रही मानसिक प्रतिक्रियाओं का संप्रेषण, यानी कि जो हमारे अनुभव हैं इस बात को बताने की जो क्रिया है, तीसरा स्वयं का संप्रेषण अर्थात आत्म अभिव्यक्ति, तीसरा हम स्वयं के बारे में जो बताते हैं, जो अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कि तीसरा इसका अभिव्यक्ति इसका पक्ष हो गया। पत्र हम एक दूसरे को कुछ बातें बताने के लिए पत्र का व्यवहार करते हैं। हम इसे औपचारिक पत्रों की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे दुकानदार द्वारा अपने ग्राहक को किसी वस्तु की कीमत की सूचना देने को लेकर सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराने तक के सभी पत्र हैं, वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएंगे। इनका एक निश्चित विधान होता है, उसी के अनुरूप सभी लोग आवश्यकता अनुसार पत्र का व्यवहार करते हैं। वहीं हम देखें तो पत्र लेखक किसी तथ्य विशेष पर अपनी निजी मानसिक प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है पत्र में। वे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाता है, वह अपने को अभिव्यक्त करके प्रसन्न होता है और उन अनौपचारिक, ये जो इस तरह के जो पत्र होते हैं जिसमें हम स्वयं की कुछ पर्सनल बातें दूसरों से शेयर करते हैं, बताते हैं, तो ये अनौपचारिक पत्र के श्रेणी में आएंगे।
अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों को हम इस तरह से पहचान सकते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे औपचारिक पत्र निश्चित परिपाटी में लिखे होते हैं, जो औपचारिक होंगे वह निश्चित परिपाटी में लिखे होते हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी भी प्रकार का सरकारी अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसका निजी निश्चित परिपाटी होता है कि यहाँ नाम लिखना है, यहाँ एड्रेस लिखना है या सब्जेक्ट लिखना है, वो निश्चित परिपाटी होती है। उसको अपने हिसाब से आप नहीं लिख सकते कि चलो जहाँ मन हुआ कुछ हम ऊपर नीचे कर दिया, वैसा नहीं, निश्चित परिपाटी होती है। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वे औपचारिक पत्र होते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्रों में ऐसी कोई परिपाटी नहीं होती, ऐसा कोई नियम नहीं होता। हम अपनी भावना इच्छा के अनुसार पत्र को लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र उद्देश्य से होते हैं, उसका कुछ उद्देश्य होता है, उनका उद्देश्य निश्चित तथ्यों और घटनाओं का संप्रेषण करना होता है। जो सरकारी पत्र होते हैं या फिर कोई फॉर्मेलिटी जो निश्चित परिपाटी के जो पत्र होते हैं औपचारिक पत्र, उसका कुछ उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। वहीं देखें औपचारिक पत्र में पाने वाले व्यक्ति का निजी व्यक्ति तो महत्वपूर्ण नहीं होता। जो भी औपचारिक पत्र होते हैं जैसे सरकारी काम में, वह किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह उस संस्थान के लिए होता है। तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वे किसी व्यक्ति को नहीं लिखे जाते, उस स्थान पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए होता है। जबकि अनौपचारिक पत्रों में वह व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जिसे पत्र लिखा जाना है, अनौपचारिक में वह व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे अपने भाई, माता पिता, सगे संबंधी, दोस्त, इसको लिखते हैं, ये अनौपचारिक पत्र हैं और इसमें निश्चित होता है कि हम किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को लिख रहे हैं। तो औपचारिक अनौपचारिक पत्र में ये विभेद है, इसे आप ध्यान रखेंगे। वहीं हम देखें पत्र विद्या की विशेषताएं। अगर हम पत्र विद्या की विशेषता की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें लिखित संप्रेषण इसकी विशेषता है। पत्र लिखित संप्रेषण का माध्यम है, यह पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच बातचीत का माध्यम बनता है। निरक्षर व्यक्ति पत्र व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ लिखित व्यवहार, लिखित रूप में अपनी बातों को बताना होता है। जब हम पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो लिखित चीज़ को हम पढ़ कैसे पाएंगे, इसलिए साक्षर व्यक्ति का व्यवहार है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती और उस इंग्लिश में हम पत्र लिखते हैं तो ये पत्र व्यवहार असफल रहेगा। इसी प्रकार हम देखें तो जब दो व्यक्ति के बीच अगर पत्र व्यवहार होता है तो उन दोनों को वह भाषा आनी चाहिए, यानी कि उन दोनों की भाषा वही भाषा होनी चाहिए जिस भाषा में पत्र लिखा जा रहा है। फिर पत्र दूरस्थ व्यक्तियों के संप्रेषण का माध्यम है, ये भी कह सकते हैं कि पत्र क्या है, जो दूर बैठे व्यक्ति हैं उन तक अपनी बात पहुँचाने का माध्यम है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सामने बैठा है, आप मौखिक रूप से आप उसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मौखिक बातचीत की सीमा से बाहर अगर कोई व्यक्ति है जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच सकती और उस व्यक्ति से हमें संवाद बातचीत करना है तो हमें पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार हम देखें वहीं पत्र की अन्य विशेषताओं की बात करें तो निष्ठा भी पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। पत्र में जब दो व्यक्ति संवाद करते हैं और आपस में किसी बात को साझा करते हैं, चाहे वो अपने अनुभव को, चाहे किसी घटना को या अपने जीवन के कुछ बिंदु या समस्याओं को, वे उस आधार पर परस्पर पत्र व्यवहार करते हैं। यदि उनमें कुछ एक समान न हो तो उनमें किसी भी प्रकार का संप्रेषण की संभावना नहीं होगी, तब उनमें किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं हो सकता। हमें भावना, घटना, अनुभव, इन सब बातों का ही हम पत्र में व्यवहार करते हैं। अगर ये चीज़ नहीं हो तो फिर पत्र व्यवहार हो ही नहीं पाएगा। इसके साथ ही किसी सार्वजनिक अनुभव का आदान प्रदान भी नहीं करते। पत्रों से सार्वजनिक जीवन का जिक्र हो सकता है परंतु उसकी सार्वजनिक व्याख्या नहीं हो सकती। पत्रों में क्या होता है, हम सार्वजनिक जीवन का व्याख्या जिक्र करते हैं पर उस व्याख्या को हम सार्वजनिक रूप से सबको नहीं बता सकते। पत्र में जिस व्यक्ति को हम संबोधित कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बात उस तक ही पहुँचे, अन्य तीसरे चौथे व्यक्ति तक नहीं पहुँचे। तो जो निष्ठा है, गोपनीयता है, यह भी पत्र की विशेषता है। मान लीजिए सार्वजनिक जीवन के प्रति अगर जो लिख रहा है उसकी अगर कुछ निजी राय है
तो वह पत्र में लिखता है और प्राप्तकर्ता जो जिसे वह पत्र मिलेगा उससे उम्मीद करता है कि वह उसकी पुष्टि करे या खंडन करे। इसी प्रकार हम देखें आत्म अभिव्यक्ति, पत्रों की अगर विशेषता की बात करें तो आत्म अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। पत्र में लेखक किसी विशेष विषय का वर्णन नहीं करता, वह आत्म अभिव्यक्ति करता है। उसके मन में जो है उसे उस पढ़ने वाले व्यक्ति तक अभिव्यक्त करना चाहता है। वह एक से अधिक तथ्यों पर अपनी मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता जाता है। लिखने के दौरान जो भाव तरंग मन में उठती है, मन में जो विचार आते हैं, वह उन्हें ही व्यक्त करता है। किसी गंभीर विषय का उल्लेख भी लेखक बड़े सामान्य और सहज ढंग से करता है। हम पत्र जब भी लिखते हैं तो सरल शब्दों में ही किसी घटना या विषय को हम प्रस्तुत करते हैं। जाहिर है कि इसमें चिंतन व्यक्त होता है, विस्तार से व्याख्या नहीं होती, चिंतन की पूर्णता नहीं होती, निष्कर्ष भी नहीं होता। अनेक बातों को लेखक उसमें छोड़ देता है, केवल जो मुख्य बातें हैं उस पर वह प्रकाश डालता है और पत्र बंद कर देता है। इस तरह हम देखें तो पत्र में आत्म अभिव्यक्ति होती है, ना कि किसी विषय की विस्तृत चर्चा होती है। यह भी पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। वहीं देखें तो तत्कालिकता भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। पत्र की तत्कालिकता भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति चूँकि दूर होता है, वहाँ पत्र पहुँचने में समय लगता है। जब तक पाने वाले व्यक्ति तक वह पत्र नहीं पहुँचता, लिखने वाले व्यक्ति के मन में कई बातें ऐसी होती हैं जो वो पत्र में लिखा होता है, और वह घटना वो स्थिति बदल चुकी होती है या वह उसे भूल जाता है। जवाब देने वाला व्यक्ति मान लेता है कि आपकी बातें तो आपको याद हैं, आपके सामने पत्र हैं, इसलिए वह उसी पर अपनी प्रतिक्रिया लिख देता है। और चूँकि जिसे आपने पत्र लिखा था उसे वह पत्र कुछ दिनों बाद मिलता है, तो वह यह मान के चलता है कि आपने जो प्रश्न किए हैं या जो समस्या है, जो घटना के बारे में उन्हें जानकारी दी है, उस पर जो उसकी प्रतिक्रिया है वह उसे देना अनिवार्य समझता है, भले ही वह आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो चाहे न रहा हो। यह भी इस तरह से भी पत्र में हमें देखने को ये चीज़ मिलती है। घटना की प्रतिक्रिया पहला व्यक्ति करता है, पाने वाला उसकी प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया करता है। इसमें गलतफहमी की गुंजाइश हो सकती है। तत्कालिकता प्रतिक्रिया प्रकट करने के बाद भी चिंतन चलता है। हम उस तत्कालिक मानसिक से उबर सकते हैं, उस आवेग को स्थगित कर सकते हैं। लिखा हुआ अक्षर तो बदल नहीं सकता, परंतु लिखने वाला स्वयं बदल सकता है। इसलिए अगला पत्र कभी कभी पिछले पत्र को निरस्त भी कर सकता है। कभी कभी बात आगे बढ़ती है और फिर टूट जाती है, टूटी हुई बात फिर कभी जुड़ जाती है। यह तत्कालिकता की सीमा है। देखते होंगे कि आप जब कभी भी पत्र लिखते होंगे, कुछ दिन बाद वो घटना वो विषय बदल जाते हैं, तो आप पुनः पत्र लिख के दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। जब पहला पत्र उसे मिला होता है तो वह सोचता है कि यह घटना उसके लिए महत्वपूर्ण है, पर जब वो दूसरी पत्र उसे मिलता है तो इससे मालूम चलता है कि जो पहले वाले पत्र हैं उसकी महत्ता खत्म हो गई है, विषय बदल गया है या वो विषय पुराना हो गया है, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो पत्र में इस प्रकार की तत्कालिकता भी हमें दिखती है। तो ये सब महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं थे पत्र की, जो आज के इस वीडियो में हमने चर्चा किया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस पे टिप्पणी लिखने के लिए या साहित्यिक विद्या पे आपकी समझ जानने के ऊपर आपसे प्रश्न किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझ लें। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।